भाजयुमो ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल उन्नयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की वीटीपी की स्थिति को कांग्रेस सरकार बनने के बाद से दयनीय बताते हुए भाजयुमो ने सुधार की मांग की है। कार्य नहीं होने पर भाजयुमो की ओर से प्रत्येक जिले में तालाबंदी की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना पूर्णतः बंद है। 2300 वीटीपी काम कर रहे थे, पंजीकृत थे, वो 2300 वीटीपी अभी पंजीकृत नहीं हैं। मापदंड नए पंजीयन के बहुत ऊपर बनाए गए हैं, खैर वो गुणवत्ता के लिए बनाए गए हैं और अगर ये हो पाए तो अच्छा है, लेकिन हमारा मसला सिर्फ इनके साथ यही था। आज सीओ साहब के पास हम लोग मिले हैं, हम लोगों ने पूछा कि 135 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था, आज जिलों में जिन लोगों ने इस विषय पर काम किया है 4 से 6 करोड़ रुपया प्रत्येक ज़िले में बकाया है, वो राशि क्यों नहीं मिल पाई है अब तक। दूसरा, हमने ये कहा कि आज तक आप 9 महीने की सरकार बनने के बाद और आपके सीईओ बनने के बाद सिर्फ 25 वीटीपी काम कर रहे हैं और 25 के 25 लाइवलीहुड कॉलेज हैं जिला मुख्यालय के, तो ये लाइवलीहुड कॉलेज ही आपके रहेंगे तो इतने बड़े ज़िले का जो युवाओं को कौशल उन्नयन का अधिकार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है, नियम नहीं बना है यहाँ पर, अधिकार बना है वो, और अधिकार दिया ये कैसे पूरा हो पाएगा। आज जिलों में स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है कौशल उन्नयन का आवेदन देने के लिए, किसी ड्राइविंग सीखना है किसी को, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कुछ भी बनना है और वो जाकर दे रहा है तो कार्यालय में उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि संस्थाएँ ही नहीं हैं। जब जिलों में जाकर कोई वीटीपी काम नहीं कर रहा है, सरकारी संस्था एकमात्र किसी 6 जिले में काम कर रही, बाकी जिलों में वो भी काम नहीं कर रही अभी तक, जब कौशल उन्नयन के केंद्र में जाकर के या कौशल उन्नयन के कार्यालय में जाकर नौजवान आवेदन करता है तो ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें अभी बंद हैं। ये सारी बातों से हमने सीओ साहब को अवगत कराया है, मीणा साहब से हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है, 1 महीने का समय अक्टूबर माह में आप कर लीजिए इसको पूरा, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम यह मानेंगे कि आपके कौशल उन्नयन के कार्यालय और वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जो बैठते हैं उस कार्यालय का कोई काम नहीं है, वहां पर तालाबंद होना चाहिए और युवा मोर्चा तालाबंदी की कार्यवाही करेगा। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ हर्षी शर्मा, glips.in। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।